अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस में हम शिपमेंट करते हैं, यानी कि अगर मैं कोई 50 आइटम शिप करने जा रहा हूँ या 60 आइटम 60 आइटम्स में शिप करने जा रहा हूँ, तो अमेज़ॉन सम टाइम मुझे डिफरेंट एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। लाइक वो कहता है कि आप 50 50 में से आप 5 आइटम इधर भेज दें, 10 आइटम इधर भेज दें, और रिमेनिंग जो आपके 35 आइटम है वो किसी और एड्रेस पर, वो आपको बोलता है कि इस एड्रेस पर आप शिप कर दें। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है कि हम सारे आइटम, तो हम चाहते जाते हैं कि सारे आइटम हमारे एक ही जगह रखे रहें, लेकिन अमेज़ॉन हमें डिफरेंट एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। तो हम किस तरीके से सेटिंग्स में जाकर इसकी सेटिंग करेंगे कि हमें अमेज़ॉन एक एड्रेस प्रोवाइड करे और हमारे जितने भी आइटम्स हैं वो सारे अमेज़ॉन के एक ही वेयर हाउस में रखे रहें वो। तो सबसे पहले हम आएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन पे आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे आपकी अमेज़ॉन, ये आ गई फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के अंदर आके इनबाउंड सेटिंग्स पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे इसको एडिट, और एडिट करने के बाद ये आ रहा है इन्वेंट्री प्लेसमेंट। ये बोला डिस्ट्रीब्यूट इन्वेंट्री, डिफॉल्ट सेटिंग ये इन्वेंट्री प्लेसमेंट ऑल कंटेनर सिंगल फुलफिलमेंट सेंटर। ठीक है, इसको हम कर देंगे यहाँ पर इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विसेज, जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, इस पर हम कर देंगे। देन अब जो है हमारी जितनी भी इन्वेंट्री है वो अमेज़ॉन के एक ही वेयर हाउस में जाएगी, हमें एक ही एड्रेस प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हम यहाँ से इसको कर देंगे अपडेट। ये हो गया यहाँ पर अपडेट।